दूसरा ये रिचार्ज जो कराए उसके अभी आप अलग से 200 दोगे जलेबी खाने। राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खत्म हो गया यहाँ यूट्यूब की स्टार्टिंग कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज मैं और मम्मी घर पे हैं। तो हमारा प्लान बना है, आज हम जाएंगे नोएडा स्टेडियम महाकौथिक। बट उससे पहले अभी मैं जा रही हूँ छत पे। छत पे मम्मी बना रही है कचपोली। कचपोली क्या होती है जिनको नहीं पता, मैंने अभी शॉर्ट डाली उसमें देख लेना। वो होते हैं माल्टे और लिम्बे। एक लिम्बे होते हैं जो बड़े जैसे नींबू होते हैं, उनको काट के उसमें नमक मिर्च लगा के हम वो उसकी कचपोली बना के, मतलब सर्दियों के वो फल होते हैं, धूप में उसे खाते हैं। तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलो चले पहले छत पे। देखो गाइस, ये होते हैं लिम्बे और ये होते हैं माल्टे। ये मेरे दादा जब भी मुझे देखते हैं चिल्लाते हैं लिम्बा छी दादा पटकोली लिम्बा। अरे लिम्बा हमारा छे माल्टा पटकोली का छी हां माल्टा पटकोली का छी माल्टा आ लिम्बा हमारा छी हां तो पटकोली करो करो दे ना लिम्बा तो पटकोली लिम्बा। ये बहुत खट्टे होते हैं इसलिए हमने माल्टा बनाया है क्योंकि हम वो खा नहीं पाते। लिम्बा हमारे बस की नहीं है। हाँ। हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी मुखड़ी, ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी मुखड़ी, हे तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे। सो गाइस, माल्टे खा लिए हैं, अब हाथ पैरों में थोड़ी तेल की मालिश हो जाए, कभी कभी तो छुट्टी मिलती है। पका लो गोरा, बाद में कर लेना, पहले तेल लगा लो। नन्नू का पैर देख कैसे खान नहीं ढंग से रहे, ढंग से नहीं। क्या खाऊं, इंसान खा जाऊं क्या? हाथ पैरों में तेल भी लगा लिया है, अब हम नहाएंगे और दादा हमें स्टोरी सुना रहे हैं अपने गांव की। तो दादा की स्टोरी सुनो, बता दो कि कितना खजाना छुपा है आपके पास, बता दो दादा। क्यों बताऊं, यही तो करनी है, बता दो जल्दी, बता दो। मिलती थी आपको, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी मैं नंबरों में इधर उधर हो जाऊँ तो मैं ये वीडियो देख लूंगा कि हाँ भाई दादा ने इतना पैसा बोला था। जल्दी मकान देखने तो अब तो ये अभी तो मकान ही। दादा ने हमारे इतने प्यारे मकान को झुग्गी झोपड़ी के से कंपेयर किया है। ये झुग्गी झोपड़ी है, लैंडर की छत है। मैंने टाइल लगा लो कह रखी है मैंने। हां ये तो दादा आज मां से मार जा। तो मेरे पापा गए थे आगे जो सब मत हार का मेरे पापा। हां अच्छा, तीन दिन की छुट्टी है मेरी, हम क्या करूंगी? अरा फुल आपके लिए खाना वाना पकाऊंगा मैं, फुल चाय वाय रोज सुबह हन्नू दीदी चाय बनाएगी। तो मुझे क्या बताता, जाओ 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 कोते जा रहे हो, आप भी चलो चलो। सब त्याग दिया, सब त्याग दिया। प्रदूषण कहाँ हो रहा है, उतना मिट्टी आया वो गिरोन में कौन सा वो गिरोटिंग कर रहा है गिरोन। हाँ तो मिट्टी तो उड़ती है, मिट्टी में रहते हैं हम, मिट्टी से ही तो हम बने। हमने श्वास और लोगों ने बहुत काल ले गया। ये मेरे मम्मी डायलॉग पूरा कर रही है बैठ के यहाँ पे। तक तुम लोग तुम जाना तुम टेंस अभी कौथिक 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 जाओ जलेब खानी बलवक जलेब खा लिया से 200 रुपये की को नहीं आती। ये रिचार्ज जो कराए उसके अभी आप अलग से 200 दोगे जलेबी खाने के? 500। हाँ चलो ठीक है, 500 दे देना। हंसो मत, मैं लेके जाऊंगा, रोन लग जाऊंगा मैं। बोल दादा कौथिक जान रखा था, पैसे देने आप? हाँ बताओ कौथिक के लिए पैसे आप दोगे मुझे? हम तो देनी हम उल्का नहीं खर्च। हाँ तो पैसे दे दे दो। नहीं ये मेरे हैं दादा, मैं नहीं मान रहा, इनको नहीं खर्च करूंगा मैं। बोले स्मार्ट है दादा, तभी तो हम स्मार्ट हैं। ये बता दो दादी से, ये स्मार्ट नहीं है ना बताओ। हाँ सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ इस खानदान में। देख देख तेरा स्मार्ट। सो गाइस, हम धूप
सेक के आ गए हैं, अब थोड़ा नहा लिया जाए, टाइम बहुत हो चुका है। फिर नहाने के बाद जाएंगे, जाएंगे क्या, नहाने के बाद खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे, तो मिलते हैं नहा के, बाय। हाय गाइस, तो मैं आ गया हूँ नहाकर, अब चलते हैं नीचे खाना खाने। बना है गर्मा गर्म पुलाव और उसके साथ है दही, आने वाला है बड़ा ही स्वाद, तो लेट्स गो। कोई मुखड़ी हे तेर प्यारी मुखड़ी हे तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं कौथिक पे जाने के लिए, तो हम निकलते हैं कौथिक के लिए। सो गाइस, हम निकल गए हैं कौथिक के लिए और हमें ज्वाइन करेंगे अभी छोटी चाची और रिया। उतर गए हैं, यहाँ से थोड़ा पैदल का रास्ता है, तो अभी हम चल रहे हैं अभी हम चल रहे हैं। मेरे साथ रिया और पीछे से मेरी पूरी पार्टी आ रही है, गैंग आ रही है। तो बस जी, हम पहुँच ही गए हैं, यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। नहीं, अभी भूख लग रही है बस, तो अभी आपको दिखाते हैं हम मेला एंट्री। थैंक यू। कहाँ सो गाइस, हमें माँ कौथिक का गेट दिख चुका है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये घुसते ही हमें बहुत सारी भीड़ मिली, अंदर जाते ही बहुत भीड़ हो रखी थी, और यहाँ पे कुछ लोग अपनी रील बना रहे थे इस घूमने वाले कैमरे में, तो हम भी खड़े होकर देखने लग गए। पर इतनी भीड़ में भी लोग इधर उधर जमीन पर बैठे हुए थे, यहाँ इतने सारे स्टॉल लगे थे, जहाँ पहाड़ी पूरा सामान मिल रहा था, पहाड़ी धूप, पहाड़ी पिछौड़ी, नच, सब कुछ, मतलब पहाड़ी सारा सामान यहाँ था। बहुत सारे यहाँ स्टॉल लग रखे थे, और दूर से हमें झूले भी नज़र आ रहे थे, मतलब यहाँ सब झूले भी थे, वो पीछे की साइड लगे हुए थे, तो हमें पीछे यहीं से मनाली बाद में जाएंगे उधर की तरफ। और यहाँ पे खाने का स्टॉल लगा था फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे ये सारा खाने का लगा हुआ था। गाइस, मम्मी ले भी सकती है, पेमेंट भी नहीं हो सकती है, मैं देखता हूँ। Come on.
हाथ में आ गया सभी लोग डांस सभी डांस इधर से देखिए कर रहे हैं तो काफी लोगों ने हाथ उठाए थे पर डांस हाय बोलू नहीं दिख रहा है डांस आता है कि करने नहीं चाहते कर रहे डांस हरे तिछो भाग की डरा तो सब नहीं जाने तो गाइस ये है मेरी रिया बहन जो मेरे साथ डांस ही नहीं कर रही थी मैं इतना फोर्स कर रही थी फिर भी उससे मेरे साथ नहीं डांस करता स्टेप भी बता रही हूँ फिर भी नहीं नौटंकी वो अपने दोस्तों की सर्च में थी कि मेरे दोस्त लोग मिलेंगे फिर हम एक ग्रुप में डांस करेंगे दो लोगों में डांस नहीं होता बट मैं उसे भी बता रही हूँ फिर एक लड़के ने मुझे धक्का मारा मैंने उसे घूरा उसने मुझे सॉरी बोला और मैं मान गया ये फिर मैं अकेले ही नाचता हुआ मेरी बहन फिर से अपने दोस्तों की सर्च में बट इट्स ओके ना नहीं मिल रहे तो क्या कर सकते हैं इट्स ओके फिर हम चले गए वहाँ से और ये 50 से लेंगे 50 रुपए के 6 100 रुपए के 3 गाइस मुझे यहाँ पे अपनी मोटी दोस्त मिल चुकी है विद आंटी आंटी को खाते भी नहीं दिखा काफ़ी देर हो गई है हमें घूमते घूमते पर हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि गाना कोई गा ही नहीं रहा है अच्छा मेरी रिया बहन चिल्लाने के लिए और डांस करने के लिए बेताब है पर कोई अच्छा गाना गा ही नहीं रहा है क्या कर सकते हैं आपकी कोई लव थैंक यू सो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा बहुत सामान देख रहे थे पहाड़ी बस देख रहे थे खरीदना तो था नहीं सब देखने ही आते थोड़ा बहुत देखा और फिर हम चले गए सभी कलाकार जब स्वयं मंच पर पहुंचेंगे तो पहचान जाएंगे तो आइए मैं आमिन जी के साथ उनकी पूरी टीम को यहाँ पर मेले की पूरी धूल सूंघ कर हम मेले से बाहर निकलते हुए मेले से हम निकल आए हैं और अब हम बैठे खाने के लिए चिली पटेटो चाउमीन और मोमोज भी लेंगे अभी सबका ऑर्डर दे दिया है अब हम खाएंगे चिली पटेटो और चाउमीन वगैरह हम खा के निकल गए घर की तरफ अब घर पहुँच के हम खाएंगे मोमोज क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि चाउमीन और चिली पटेटो जिस प्रकार के थे यहाँ के मोमोज भी उतने ही अच्छे होंगे इसलिए हम मोमोज खाएंगे हम अपने वहाँ 20 रुपए के 12 मोमोज खाते हैं गाइस मम्मी हमें पता नहीं कौन से रास्ते से ले आई जहाँ से हमें ई रिक्शा नहीं मिलता और हम पैदल पैदल लगे पड़े हैं जाने पे और ये रहा मॉडर्न स्कूल हमारे पीछे तो अभी देखते हैं आगे से स्मृति वन मिल जाए मतलब स्मृति वन है आगे ऐसे मम्मी कह रही है वहाँ से ई रिक्शा पकड़े शायद पर ना हम पैदल ही जाएंगे लग रहा है क्योंकि ई रिक्शा तो मिल ही नहीं रहा है गाइस देखो घर अभी चालू नहीं है सो गाइस हम घर आ गए हैं और इन सबको इतना खिलाने के बाद भी वो 6 मैगी लेके आएंगे अब मैगी भी खाएंगे घर पे
इस भूखी को तो ज्यादा भूख लगी थी, निकल जाए यहाँ से। और इसके साथ साथ एक और इंसान जुड़ा है इसमें, वो है हिमांशु भैया। हेलो भैया, हेलो करो। हाय, ये हिमांशु भैया ये आ गए हैं और मैगी खाने। मैगी कम पड़ सकती है बट इट्स ओके, हम चला लेंगे। तो गाइस मैगी खा ली और चेंज वेंज भी कर लिया है, अब चलते हैं डिनर करने। हाँ यू नो, इतना खाने के बाद भी डिनर, बट खाना बन चुका है तो खाना पड़ेगा भाई, वरना सताई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।